आपसे वादा किया था कि मैं आपको मेंसुरेशन का कोई भी फॉर्मूला रटने नहीं दूंगा, सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कोई भी ट्रिक आप तभी लगाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक कहाँ से लगाएंगे। तो मैं आज आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता क्या, हमने आपको बताया था कोई भी आकृति जो स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, और यही क्षेत्रफल वाली आकृति को जब हम उठा के, यानी इस समय इसमें लेंथ और ब्रेथ यानी दो टू डायमेंशन होती है, जब हम इसको उठा के थ्री डायमेंशन वाली आकृति में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही बन जाता है वक्र पृष्ठ। देखिए इसको उठा के अगर हम इस तरह का बॉक्स इसे बना दें तो ये जो बॉक्स बन जाएगा वो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। इसके अंदर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीन चीज़ें आ जाएंगी, तब ये बन जाएगी थ्री डायमेंशन आकृति। और थ्री डायमेंशन आकृति बनते ही इसका जो क्षेत्रफल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वक्र पृष्ठ में, ठीक है। और वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपरी सिरा और निचले सिरा और जुड़ जाता है। वक्र पृष्ठ में आता है चारों ओर का सिरा, देखिए ये जो भाग है चारों ओर का ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, और इसमें ऊपरी सिरा और निचली सिरा और जोड़ दें तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। देखिए जैसा कि मैंने ये आकृति खोल रखी है, इसमें एक दो तीन चार, ये चार भाग जो हैं ये कहलाएंगे वक्र पृष्ठ, और ये पाँच याला पाँच और छः भाग इसमें और जोड़ दें तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ हुआ ये वाला आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जुड़ जाता है। जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें छत और फर्श और जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, और दीवार और मकान की आपकी चारों ओर की जो दीवारें होती हैं वो कहलाती है वक्र पृष्ठ। देखिए वीडियो के लास्ट तक हम घनाभ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये समझेंगे। घनाभ से वक्र पृष्ठ से मतलब है मकान, जो आपका मकान है उसके चारों ओर की दीवारों का क्षेत्रफल, और इसकी चारों ओर जो दीवार होती है वो आयताकार होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी दीवार जो होगी वो इस टाइप की होगी, उसमें लेंथ होगी और क्या होगी ब्रेथ होगी, क्या होगी लेंथ और ब्रेथ। तो अगर लेंथ एल है ब्रेथ बी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा या स्मॉल एल या स्मॉल बी है, तो एक दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब चूंकि ऐसी दीवार आमने सामने, देखिए जैसी दीवार यहाँ पे आप जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा कि जो पीले रंग की है, जो पीली साइड है ये यहाँ पर ये देख लिए, ये येलो कलर की है यहाँ पर जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, तो येलो कलर की है बिल्कुल ऐसी विपरीत होगी। तो इसकी लेंथ क्या है, इसमें एल है, लेंथ वाली एल है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है एच है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब चूंकि जैसी सामने आपको दिखाई दे रही है पीली कलर की, ऐसी इसकी विपरीत ओर दूसरी ओर होगी, तो दोनों का क्षेत्रफल किया जाएगा दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू हाइट ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये जो है आसमानी कलर की दिख रही है, जैसी इधर है बिल्कुल ऐसी दूसरी साइड में होगी। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसे मान लीजिए कि आपको जो है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई, ये इसकी क्या चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही पोर्शन इधर है, यानी इधर का क्षेत्रफल निकाल लो उसे दो से गुणा कर देंगे तो इधर का भी मालूम हो जाएगा, और इधर का क्षेत्रफल निकाल लो उसे दो से गुणा कर देंगे तो इधर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए करते हैं, तो अभी हम इस वाले हिस्से का निकाल लें, तो इसकी जो है दो से मल्टीप्लाई क्यों करा जा रहा, क्योंकि जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, यानी जैसे आपको ये दिखाई दे रहा आसमानी कलर का ऐसे ही इसके विपरीत साइड में होगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है बी और ऊंचाई है इसकी एच। तो यहाँ देखिए दोनों में से एक तो टू कॉमन आ गया, और ये एल प्लस बी और ये हो गया एच, हमने कॉमन ले लिया। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हुआ, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो गया घनाभ का। तो इसमें आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आयत का क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही दूसरी ओर हो जाएगा। तो दो से हमने मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर देखिए ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट जैसा इधर है वैसा ही इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जैसा होगा, और इसका और इसके पीछे वाला एक जैसा होगा। तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा, जो ऊपर वाला कत्थई वाला है ये वाला हिस्सा, और नीचे का जो फर्श है ये और इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें घनाभ संपूर्ण पृष्ठ में इतना तो रह नहीं रहना, देखिए टू एल एच प्लस के टू
बी एच इतना तो रहेगा रहेगा। अब क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा यानी एल इंटू बी, ये वाला यानी पीला और जो नीचे पीले वास्ते नीचे वाला ऊपर वाला जो है कत्थई कलर का, ये और सबसे नीचे वाला हिस्सा इसमें और जुड़ जाएगा। तो मैं इसको चित्र में अलग से दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये ऊपर वाला पाँच और छः, अगर इस तरह से इसको बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में, ये वाला पाँच और छः नंबर वाला। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा, तो एल इंटू बी यानी टू एल बी, तो टू कॉमन ले लिया तो ये हो गया एल, कंटिन्यू लिख सकते हैं एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए आयतन की बात करते हैं, तो आयतन जो होता है, अब आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन हमेशा जो निकालेंगे तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे, और आयतन हमेशा तीन चीज़ें आएंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा आयताकार है, ठीक है, तो आधार कैसा है इसका आयताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल इंटू बी, और आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी एच, तो क्या हो गया क्षेत्रफल इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपको कोई भी फॉर्मूला इसका रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आयतन में हमेशा तीन चीज़ें आएंगी और क्षेत्रफल में हमेशा दो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर क्यूब अगर मीटर में दे रखा, या सेंटीमीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में दे रखा, और इसका जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सी जी एस पद्धति है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एम के एस पद्धति है तो मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी कह देते हैं इसको, हम घन मीटर या घन सेंटीमीटर भी कह देते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम समझाते हैं आपको बेलन। तो बेलन क्या होता है ज़रा समझेंगे, जब हम किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई अथवा चौड़ाई के परी तक घुमा दें ऐसे रखें, और घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनती है वो जो कहलाती है बेलन कहलाती है। यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है, यहाँ से ये जो मैंने क्या करा, आयताकार आकृति को घुमाया, घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, बेलन कहलाएगी। वो इस टाइप की देखिए यहाँ पर ये बन गई है। तो ये जो आकृति है वो क्या कहलाती है, बेलन। जब किसी हम आयताकार आकृति को लंबाई अथवा चौड़ाई के परी तक घुमाते हैं जो ठोस आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, बेलन। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि जब हम बहुत सारे सर्किल को ऊपर नीचे रखते हैं तो भी जो है बेलन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत सारे सर्किल हैं, अब मैं इनको ऊपर नीचे ऐसे रख रहा हूँ तो रखने पे जो आकृति बनेगी वो क्या बन जाएगी, बेलन बन जाएगी। यानी बहुत सारे सर्किल को ऊपर नीचे रखने पर जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी बैंगल्स को ऊपर नीचे रख दिया है और रखने पर जो है एक जो है बेलन की आकृति बन गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बैंगल्स को जब हम ऊपर नीचे रखते हैं तो जो ठोस आकृति बनती है वो बेलन कहलाती है। चलिए अब हम इसके चर्चा करते हैं इसके वक्रपृष्ठ और बेलन पे, आयतन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब तक वो आकृति प्लेन होती है तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, और जैसे ही उसको हम कर्व का आकार दे देते हैं तो वो बन जाता है उसका वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए ये जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो भाग है ये कहलाएगा इसका वक्रपृष्ठ। ये जो पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसका वक्रपृष्ठ। और इसके अंदर आप जो भी मटेरियल रख सकते हो, जितना मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा तो वो जो कहलाएगा इसका आयतन कहलाएगा। तो मैं इसको और समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आयत है, जब हम आयत को लंबाई अथवा चौड़ाई के परी तक घुमाते हैं तो इस तरह की ठोस आकृति बनती है, और जो ठोस आकृति बनी तो वो क्या बन गई, बेलन बन गई। तो इस तरह की आकृति क्या बन गई, ये बेलन बन गई। देखिए यहाँ पे तो ये जो आकृति बनी क्या बनी, बेलन बनी। तो यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जरा समझेंगे, ये तो जो भाग है ये तो कहलाएगा वक्रपृष्ठ, और इसमें ऊपर का हिस्सा ये वाला यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और जोड़ दें तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान देंगे तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ, और ये वाला हिस्सा, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, ये दोनों और जोड़ दें इसके अंदर तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये और ये मिलकर संपूर्ण पृष्ठ, और ये वाला केवल वक्र पृष्ठ। तो ये कंप्लीट जो कहलाता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा मिलकर जो बनाएगा संपूर्ण पृष्ठ, और ये वाला जो भाग कहलाएगा वक्र पृष्ठ।
चलिए हम सबसे पहले समझते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ बन गया भाई, ये जो बन गया है ये आयताकार भाग को मोड़ने से बन गया। इसका मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्या होगा आयत का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल। और हमने पहले आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसकी जो लंबाई है वो देख लीजिए क्या, और चौड़ाई है तो वो देख लीजिए क्या। जब हमने देखिए ज़रा ध्यान से सुनेंगे, जब इसकी जो लंबाई थी ये, ठीक है, ये जो लंबाई है जब हमने इसको ऐसे मोड़ा था तो ये जो लंबाई है वो क्या बन गई थी, इसकी परिधि बन गई। और परिधि क्या होती है हम जानते हैं, परिधि होती है 2πr, ठीक। और जो चौड़ाई थी ये वाली, ये चौड़ाई ये बन गई इस बेलन की ऊंचाई। और अगर इस बेलन की ऊंचाई को हम जो है क्या है h मान ले, देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो r और ऊंचाई h है, तो ऊंचाई को क्या मान लिया हमने h मान लिया। तो 2πr जो हो गई वो आयत की लंबाई हो गई, और h क्या हो गई इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वही बन गई बेलन की परिधि। देखिए यहाँ पर ये परिधि बन गई, जो इसकी लंबाई थी वो क्या बन गई इसकी परिधि बन गई, और जो इसकी चौड़ाई थी वो बन गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2πr h, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा और बढ़ जाएगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये वक्रपृष्ठ हो गया और संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला सर्किल और एक ये सर्किल, यानी दो सर्किल हैं इसमें, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये दोनों सर्किल का जो क्षेत्रफल है और इसमें प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसका होगा और पाई आर स्क्वायर इधर का होगा, ठीक है। और इधर का ये कितना था इसका, 2πr h। तो इस 2πr h में ये दोनों और जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल के हमारा आ जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, और ये क्या है इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ कौन सा था, ये वाला। तो ये तो वक्रपृष्ठ हो गया। इस वक्रपृष्ठ में हमने जो है ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा हमने और जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ कितना था इसका, 2πr h प्लस एक पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर इधर है, तो कितना जोड़ देंगे, 2πr² और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें 2πr कॉमन ले लीजिए, ये आ गया h प्लस r, तो ये बन गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब बेलन के आयतन की बात करते हैं। देखिए तो बेलन का आयतन वही रहेगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब जरा ध्यान से देना, इसका जो आधार है वो कैसा वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अभी हमने पहले इसमें बताया था। ऊंचाई कैसी है इसकी, h, ऐसी हमने अभी जो निकाला था घनाभ का आयतन निकाला था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो घनाभ में आधार कैसा था, आयताकार था, तो उसका आधार हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया था लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसी की हमने ऊंचाई से मल्टीप्लाई करी थी, तो घनाभ का आयतन आ गया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे यहाँ पर जो आधार है वो कैसा वृत्ताकार है, तो आधार के क्षेत्रफल की जगह आ गया पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कैसी है इसकी, एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्मूला ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है तो सारे फॉर्मूले आप खुद ही निकाल सकते हो। चलिए आप समझते हैं शंकु। देखिए शंकु क्या होता है, जब हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके कण अथवा आधार के परिधि तेजी से घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है वो ठोस आकृति बनती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो चित्र है। देखिए जब हम किसी समकोण त्रिभुज को इसके परिधि या इसके परिधि हम तेजी से इसको रोटेट कर दें तो जो ठोस आकृति बनेगी वो शंकु बनेगी, और वो आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, जैसा सॉफ्टी होती है, जो आप सॉफ्टी खाते होंगे, कोन खाते होंगे, तो वो जो है शंकु है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे इसके वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर। तो सबसे पहले देखिए वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो जब इस प्रकार के वक्रपृष्ठ को शंकु का हम खोलते हैं तो इस तरह की आकृति बनती है, यानी इसको अगर हम ऐसे मिला दें ऐसे तो ये शंकु बन जाता है, देखिए इस तरह का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वक्रपृष्ठ हुआ वो क्या हुआ, ये वाला भाग, ये भाग क्या हुआ इसका वक्रपृष्ठ हुआ, और ये जो है एक त्रिज्याखंड है, ठीक है, क्या है त्रिज्याखंड है, यानी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। अब देखिए इससे ज़रा ध्यान से समझेंगे, अब ज़रा ध्यान से समझना, अगर मैं इसके जो है यहाँ पर देखिए ये जो अगर मैं मोड़ रहा हूँ इसको, ये तो ये जो बन गया है इसका, ये सर्किल बन गया है, ठीक है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2πr। अब मैं अगर इसके यहाँ से
16 भाग कर दूं, कैसे, इस तरह से देखिए, मैं इसके अगर इस तरह से 16 भाग कर दूं यहाँ से, इस तरह से अगर मैं इसके कितने भाग कर दूं, 16 भाग कर दूं, और मैं इनको फिर आधे उल्टे और आधे सीधे करके अगर मैं इनको चिपकाऊं, तो एक तरह से यहाँ पर आयताकार आकृति इस तरह की बन जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने जो है इस वाले भाग के ये 16 भाग यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अब इन 16 भाग में से जो 8 भाग मैं उठाऊंगा, 8 भाग को मैं ऐसे चिपकाऊंगा और 8 भाग को उल्टी साइड से चिपकाऊंगा, तो 8 ऐसे चिपकाने से कुछ आकृति इस प्रकार की होगी। देखिए मैंने इसके 16 भाग करके इस तरह से इसके 16 भाग किए, इसमें से 8 भाग तो मैंने ऐसे चिपका दिए खड़े रखे, और 8 भाग इस तरह से चिपका दिए, तो इसमें जो है एक भाग बच गया। तो एक भाग को मैंने क्या किया, बीच में से काट के एक भाग को ऐसे आधा इधर चिपका दिया और आधा इधर चिपका दिया, तो इसका मतलब ये पूरा जो था वो कितना था, 2πr था, कितना था, 2π सॉरी ये जो पूरा था कितना था, 2πr, क्योंकि ये पूरा देखिए सर्कल बन जा रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये पूरा क्या बन गया था, सर्कल बन गया था, देखिए ये तो सर्कल होता है 2πr। अब चूंकि आधा इधर लगाया है तो इधर हो गया हमारा πr, ठीक है, पाई आर इधर, क्योंकि सर्किल का आधा बना है इधर। और ये जो हाइट है वो देखिए क्या है, ये स्लेंट हाइट है, यानी तिरछी ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है यानी जो एल दिख रही है ये क्या है, यहाँ पर एल है, तो ये हो गई एल। तो यहाँ देखिए इस शंकु का जो वक्रपृष्ठ हो गया वो किसान जो ये आयत बनना है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई पाई आर और चौड़ाई हो गई ऊंचाई, ये हो गई एल, तो क्षेत्रफल क्या हुआ इसका, पाई आर गुणा एल, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया पाई आर एल। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ध्यान रहेगा, पाई आर हो गया ये, क्यों टोटल होता है ये 2πr, इसका आधा हो गया पाई आर, और ये तिरछी ऊंचाई हो गई एल, यहाँ एल आ गई, ठीक। अब हम शंकु के आयतन को समझते हैं। देखिए आपके सामने एक शंकु है और एक बेलन है, इस बेलन की जो त्रिज्या है व्यास है, और इस शंकु का जो व्यास है वो समान है, और दोनों की जो हाइट है वो भी समान है। अगर दोनों की हाइट समान हो और दोनों की त्रिज्याएं समान हो तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इस बात को हम देखो प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 यानी तिहाई होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इससे देखो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 यानी कि 3 से इसको भाग दे देंगे, तो हमें बेलन का जो भी आयतन है उसका 1/3 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक बेलन मैंने जो बनाया है इसमें चावल भरे हुए हैं, अब यहाँ पर एक ये शंकु है, तो यहाँ पर हम इस बेलन से इस शंकु भरेंगे, ये जो है पूरा पूरा 3 बार भर जाएगा, तो इससे प्रूफ होगा कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो देखिए अब मैं इसको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसका पूरा देख लीजिए, तो मैं इसको 3 बार इसमें भरूँगा, देखिए ये पूरा पूरा मैंने भर दिया है, एक अब एक बार और भर देता हूँ, देखिए ये हो गया 2, अब तीसरा भर देंगे, देखिए यहाँ पे ये पूरा खाली हो गया, देखिए ठीक है, तो एक तीसरी बार ये भर गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन इस शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है। तो यह आप खुद घर पे भी करके देख सकते हो। देखिए अब हम चर्चा करते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, देखिए ये तो जो कहलाएगा बाहर जो हमें हिस्सा दिख रहा है ये तो कहलाएगा वक्रपृष्ठ, और इसमें अगर हम ये वाला हिस्सा और जोड़ दें, कौन सा वाला, नीचे वाला हिस्सा, ये तो ये हिस्सा और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी वक्रपृष्ठ कितना पहले पाई आर आर, और नीचे जो वो कैसा वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा पाई आर एल प्लस ये वाला जो नीचे वाला सिरा है कैसा वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये अच्छा एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। चलिए अब हम समझते हैं गोला,
चलिए अब हम समझते हैं गोला। देखिए गोला क्या होता है, अगर हम वृत्त को उसके व्यास के परितः, किसके परितः, व्यास के परितः, अगर हम किसी वृत्त को उसके व्यास के परितः तेजी से घुमा दें तो घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनती है उसे हम गोला कहते हैं, और वो इस तरह की बनती है। देखिए ये जो गेंद है इस तरह की, अगर ये ठोस है तो ये कहलाएगी गोला, या जैसे ये नींबू है तो ये क्या कहलाएगा, गोला कहलाएगा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं इसका वक्रपृष्ठ और आयतन पर। अब जरा ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम इसका वक्रपृष्ठ बताएंगे। अगर हम इस जितना इसका व्यास है गोले का इतना ही हम एक सर्किल ले लें तो इस तरह के चार सर्किल जो होंगे इसके पूरे वक्रपृष्ठ को पूरा पूरा ढक देंगे। जितना इसका व्यास है गेंद का उतना ही व्यास का हम चार सर्किल ले लें और चारों इस पर लपेटें तो ये पूरा पूरा ढक लेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का वक्रपृष्ठ हो गया 4πr². तो एक बार फिर ध्यान दें कि गोले का व्यास और हम वृत्त का व्यास बराबर लें और चार वृत्त को हम आपस में काट लें तो इस गोले को पूरा पूरा ढक लेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अब करते हैं आयतन की बात। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं शंकु का आयतन, गोले का आयतन, हमें जो है गोले का आयतन निकाला। जैसा कि चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन और गोले के आयतन के योग के बराबर होता है। अब हमें निकालना गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा, इस शंकु के आयतन को बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे तो हमें गोले का आयतन निकल के आ जाएगा। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन कितना हो गया, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ध्यान देने वाली है, त्रिज्या समान होनी चाहिए, शंकु की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए, गोले की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए और बेलन की भी त्रिज्या वही होनी चाहिए। साथ में शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होनी जरूरी है और बेलन की जो ऊंचाई है वो भी इसके व्यास के बराबर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बेलन का जो आयतन हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 2r, ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा, इस जितना इसका व्यास होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करके हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गए 4, और ये आ जाएगा 3, और देखिए ये हो जाएगा पाई आर क्यू, 16 का ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, देखिए 3 × 2 = 6 पाई आर क्यू में से 2πr³ हटाएंगे तो 4/3πr³ 16 के हमारा आ जाएगा। हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हम देखते हैं कि गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ये जैसे ही गोला आपको दिखाई दे रहा है वही इसका संपूर्ण पृष्ठ है, इसलिए गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र भी वही है और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का भी सूत्र यही है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो लाल रंग का जो बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैच चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।